नमस्कार, पीएमई विद्या चैनल नंबर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार हमारे कई सेशन के माध्यम से आपके लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेकर आते हैं, आपसे साझा करते हैं और उसका उपयोग करके आप अच्छे तो होंगे ही, स्वस्थ भी होंगे। बहरहाल आज के सेशन में जो हम जुड़ रहे हैं ये क्लास 10th के लिए है, मैथमेटिक्स की आपकी क्लास है और इसमें बहुत ही ज्यादा कई ऐसे खास जो जरूरी बातें हैं मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई। आज का जो चैप्टर है उसके लिए हमने अपने साथ जिन एक्सपर्ट को जोड़ा है, हम उनसे परिचय करा देते हैं आपका। हमारे साथ में मौजूद है सविता ग्राच जी, जो कि टीचर ऑफ गीता निकेतन में टीचर हैं और ये वासिया विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र में टीचर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस आज के सेशन में। तो मैम, आज के हमारे सेशन में क्या कुछ खास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आप लेकर आई हैं मैथमेटिक्स की, चूंकि ये क्लास है, क्या कुछ खास आप लेकर आई हैं वो तो हम अपने सभी दर्शकों को बताएंगे ही आपके माध्यम से, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने बच्चों को ये जरूर बताना चाहते हैं कि बच्चों, अगर आप अपना कोई भी क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं 8800 4 0 5 5 9। और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी आपके सामने dth.class10@cit.nic.in, इस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए सविता जी की ओर हम एक बार फिर से रुक कर रहे हैं। मैम, इट्स ऑल योर सेशन नाउ। आप अपने बच्चे को आज क्या कुछ खास बताने वाली हैं ये आप शुरू करें। जी गीतांजलि जी, जैसा कि आपने पहले भी बोला कि आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इट इज ट्रिगोनोमेट्री। और हमारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है क्लास 10th में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्लास 10th में ही उन्हें पता चलता है कि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की जो रिलेशनशिप है उसे टी रेशियोज की हेल्प से कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ऑलरेडी हम सेशन 1 में डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। We also have studied about, एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हम इस टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। We will study about trigonometric ratios. We will study about relationship between all 6 trigonometric ratios. तो डियर व्यूअर्स, हम एक बार आपको बता दें कि देर आर टोटल 60 रेशियोज। दीज आर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेक, सेक एंड को। तो इन आर सेशन 1 हमने इन 60 रेशियोज के बारे में जाना था, पहचाना था, हमने समझा था कि इन 60 रेशियोज को हम किस तरह से ट्राइंगल के बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द 60 रेशियोज भी हमने अच्छे से कवर किया था। वी हैव स्टडीड अबाउट दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। Similarly, cosec theta, it is equals to 1 upon sin theta. Further, we also have studied about the relationship between cos and sec. So, it was cos theta is equal to 1 upon secant theta and then secant theta equals to 1 upon cos theta. बच जाते हैं tangent and cot, तो उनका भी reciprocal में same relation रहता है. That means tangent theta is equal to 1 upon cot theta. एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो डियर व्यूअर्स, आप में से जिन भी बच्चों ने सेशन 1 देखा है उन सभी को इन सभी 6 रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। नहीं देखा है तो आप लोग वापस उस सेशन को एक बार देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जाएंगे इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इन आर प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया था कि अगर कहीं पर भी कुछ लिखा है, अगर कहीं पर टेंजेंट थीटा लिखा है, सो इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट एंड थीटा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेंजेंट को थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नो। इट सिंपली मीन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो टेंजेंट फॉर एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 38 डिग्री, 49 डिग्री और कुछ भी। हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री एंगल्स को, दैट मीन्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट को। और
स्टैंडर्ड एंगल्स यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है, तो स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री। यानी आज हम सीखेंगे कि इन 5 पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हमारे ऑल 6 टी रेशियोज की वैल्यू क्या क्या होती है। ओके, एंड फर्दर वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग विद, यस, हियर इज अ क्वेश्चन वो हमारा डिपेंड करता है ऑन द टॉपिक लर्न इन आर प्रीवियस सेशन। हमने डिस्कस किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज अ वे टू लर्न दिस, सोना चांदी तुल। ये हमने डिस्कस किया था कि इसको इजीली हम इस तरह से याद कर सकते हैं, किसको, कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड व्हाट टेन थीटा, व्हाट परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज हियर। अगर हम यहां पर एंगल सी को थीटा इंट्रोड्यूस करते हैं तो बी जो एंगल 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हम जानते हैं। इन अ प्रीवियस सेशन हमने डिस्कस किया कि जो भी एंगल आपको दिया है दैट इज नोन एज द बेस एंगल, और बेस एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट इज नॉन एज द परपेंडिकुलर, तो बच जाती है साइड बी सी दैट विल बी नॉन एज द बेस। अभी हम एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फर्दर आज के टॉपिक की तरफ आगे प्रोसीड करेंगे। व्हाट इट इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन टू अस, लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन। वन इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि टेंजेंट थीटा और टेंजेंट ए, अगर एंगल ए यहां पर मेंशन है, ये होता किसके इक्वल होता है। इट इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इवन ट्रायंगल की भी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की जो हमारी नॉलेज है उस नॉलेज से ही इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स जो भी बताना है बता पाएंगे। सो परपेंडिकुलर और बेस की जब बात होती है हमें पता है इनमें से परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर भी हो सकता है और बेस से कम भी हो सकता है। इसी तरह से बेस की वैल्यू अगर 4 यूनिट्स है परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 यूनिट्स भी हो सकती है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से भी ग्रेटर रहता है और हमारा बेस से भी ग्रेटर होता है। ओके, अब भी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हो सकता है किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 4 यूनिट्स और बेस 3 यूनिट्स हो, या तो परपेंडिकुलर 3 यूनिट्स और बेस 5 यूनिट्स हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां हमने जो 2 वैल्यूज लिखी इनमें से दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दिस इज लेस देन 1, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसी तरह से डिस्कस करते हैं बाकी 2 स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सिकेंट ए इक्वल्स टू 12/5। तो हमें पता है कि सिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का, तो हम लिख सकते हैं कि सिकेंट ए इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इस बार जो न्यूमरेटर है दैट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज को हमेशा ही ग्रेटर होता है, चाहे बेस है उससे भी, चाहे परपेंडिकुलर है उससे भी। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग हुआ कि यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज या फिर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो है आपके पास हाइपोटेन्यूज यानी कि न्यूमरेटर जो है दैट इज 12, डिनोमिनेटर इज गिवन टू बी 5, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरह से चेक करते हैं 3rd स्टेटमेंट को, और इसमें आप भी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। इफ यू आर देयर आप चेक बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल्स टू 4/3। अब हम देख लेते हैं कि साइन ए की वैल्यू होती क्या है। इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होता है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए, बट यहां पर क्या चीज ग्रेटर गिवन है, न्यूमरेटर एंड
बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस इज फॉल्स स्टेट. तो आगे बढ़ते हैं हम. यस, हियर इज अ क्वेश्चन. What it is, in a triangle PQR, which is right angled at point Q, यानी Q angle जो है वो 90 degree हमें given है, we have been given the sum of two sides, PR plus QR. तो देख लेते हैं, this is our side PR and this is our side QR. इन दोनों का sum given है 25 centimeter and only the side PQ, yes, PQ side, that means this side, this is given to us to be 5 centimeter. ये जो है हमें कैलकुलेट करना है साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी की वैल्यू को. तो लेट अस ट्राई कैलकुलेटिंग दीज ऑल. साइन पी हमें पता है कि साइन पी अगर हम बात करते हैं तो दिस एंगल विल बी कंसिडर्ड एज द बेस एंगल. इसके सामने जो साइड है दैट विल बी द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस एंड दिस 5 सेंटीमीटर विल बी ट्रीटेड एज आवर बेस. अब हमें मान लेना है कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम जो 25 है, अगर हम इनमें से किसी भी एक साइड को x कंसिडर कर लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली पी आर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 25 माइनस x सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट we do have with us the hypotenuse square, which is PR here, is equal to base square, which is PQ, plus perpendicular square, which is QR. Let us put all the values which we have with us. PR ki value jo hai, that is 25 minus x whole square equals to PQ. PQ ki value already hame 5 units given hai, to 5 square is 25 plus QR which is given to be x, so x square will be here. Definitely aapko algebraic identity a minus b whole square ki help yahan par leni hai, that is equals to a square minus 2ab plus b square. So let us put that a square plus b square minus 2ab equals to 25 plus x square. Now definitely on solving it we will be able to get the value of x. जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाती है, x की वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो we will also be able to get PR. 25 में से x की वैल्यू को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो we will be able to find PR. This will be 12 centimeter, yes, and on calculating hypotenuse that will be 25 minus 12. तो साइन पी की वैल्यू क्या हो गई, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर हमने अभी भी कैलकुलेट किया, विच इज 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 13, एंड देन वी विल बी देयर विद द आंसर ऑफ साइन पी. सिमिलरली बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज हम कोस पी और टेंजेंट पी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड एंगल्स, डिस्कस किया हमने, दीज आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो सबसे पहले 45 डिग्री एंगल के लिए इन सभी टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, लेट अस डिस्कस दैट, लेट अस सॉल्व इट टुगेदर. 45 डिग्री, यस, तो हमने एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस एंगल जो है वो आपको लेना है 45 डिग्री. तो हमने बेस एंगल ले लिया 45 डिग्री. सी इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल के बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिस्पेक्टिव रेशियो ही टी रेशियोज के इक्वल रहता है. तो दिस इज 45, दिस इज 90, डेफिनेटली जो अदर एंगल है वो भी कितने डिग्री होगा, 45. यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ये ट्राइंगल है दिस इज अनडाउटेडली राइट एंगल, बट इन एडिशन टू दैट इट इज आइसोसेलेस. ओके, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, बेस एंगल्स इक्वल हैं, दैट मींस डेफिनेटली साइड ए बी इक्वल होगी साइड बी सी के, इसीलिए हमने इन दोनों साइड्स को एज्यूम कर लिया ए यूनिट. नाउ डियर व्यूअर्स, आपके पास बेस ए यूनिट्स है, परपेंडिकुलर ए यूनिट्स है. अगर हम ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी
base square, that means a square plus a square, which is equals to root 2 a units. तो आपके पास वैल्यू ऑफ ए सी इज रूट टू ए. तो अगर हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो टी रेशियोज की वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा की वैल्यू हमें पता है, गिवन है 45 डिग्री. व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज ए यूनिट्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी. तो यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि ये साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज 1 अपॉन रूट 2. इसी तरह से अगर हम कोस 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज ए यूनिट्स, सो वी डू हैव अगेन 1 अपॉन रूट 2. इसी तरह से टेंजेंट 45 डिग्री, तो जो रिलेशनशिप हमने सीखा है उसकी हेल्प से बहुत इजीली हम सभी टी रेशियोज की वैल्यू 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक इसी तरह से लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दीज वैल्यूज फॉर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, 60 डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं तो इस बार जो बेस एंगल है वो हम क्या लेंगे, दैट विल बी टेकन टू बी 60 डिग्री. तो ये हमने एक बेस एंगल के लिए, लेट अस हाईलाइट द ट्रायंगल, जो हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं. दिस इज ट्रायंगल एबीसी. तो एबीसी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है. इस एबीसी ट्रायंगल में वी हैव टेकन द बेस एंगल टू बी 60 डिग्री. अगर बेस एंगल 60 डिग्री है, अनडाउटेडली दिस इज 90, दिस इज 60. तो ये जो एंगल होगा, एंगल ए और एंगल डी ए सी, ये कितने डिग्री होगा, इट विल बी 30 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो अब इससे सॉल्व करने के लिए देखिए, 45 डिग्री के लिए जब आपने सॉल्व किया था तो इजीली हमें समझ आ गया था कि यस, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. लेकिन यहां पर तो 60 डिग्री एंगल है, हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि साइड ए डी और साइड बी सी दोनों इक्वल तो नहीं हो सकती. तो अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, वी हैव इंक्रीज्ड द साइड सी डी अप टू पॉइंट डी. इस साइड को हमने इंक्रीज किया बी पॉइंट तक, और इस तरह से कि हमने ये एंगल लिया है अगेन 60 डिग्री. तो अगर अभी ट्रायंगल एबीसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. द कंप्लीट एंगल, this angle becomes 60 degree, 30 plus 30. This angle is also 60 degree, this angle is also 60 degree. तो अब हमने एक ऐसी ट्राइंगल बना ली विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजिली से ए बी बी सी एंड सी ए इन तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी. लेट अस एज्यूम दैट टू बी ए यूनिट्स. ओके, वी ऑल्सो नो कि ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है. अगर ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है तो उसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज ऑल्सो द मीडियन, एंड इफ दिस इज द मीडियन दैट मीन्स साइड बी सी की लेंथ जो है दैट इज ए बाय 2 यूनिट्स, हाफ ऑफ ए सिंपली. नाउ वापिस आ जाते हैं अपनी ट्रायंगल पर, जिसकी हेल्प से हमें टी रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ट्रायंगल ए डी सी. इस ट्रायंगल में BC इज इक्वल टू A बाय 2 यूनिट्स, AC इक्वल्स टू A यूनिट. तो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ AD, परपेंडिकुलर की वैल्यू. आई कैन राइट दैट AD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. यस, ऑन सॉल्विंग इट वी आर एबल टू गेट 3A स्क्वायर बाय 4, और जिसे हम सॉल्व करने पर लिख सकते हैं 4 पावर हम स्क्वायर रूट करते हैं, वी आर एबल टू गेट 2A स्क्वायर का स्क्वायर रूट करने पर वी आर एबल टू गेट A. सो ऑलराइट, अभी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स थी, वन साइड इज A यूनिट्स, वन साइड इज A बाय 2 यूनिट्स, एंड दिस परपेंडिकुलर इज रूट 3 बाय 2A. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट ऑल द 3 और ऑल द 60 रेशियोज वी शुड से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री दिस टाइम, दैट इज अगेन perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular in this triangle is root 3 a by 2 units and hypotenuse is a.
So A can be deducted and you are able to understand that sine 60 degree is equal to root 3 by 2. Similarly, अगर हम चाहते हैं कि cos 60 degree, secant 60 degree, tan 60 degree की वैल्यू निकालनी है, so the same procedure will be followed. फर्दर अगर हम बात करें t ratio of 30 degree, यानी कि अगर हम t ratio 30 degree ले रहे हैं, तो same procedure will be proceeded ahead. हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डेवलप करेंगे 60 डिग्री एंगल की हेल्प से ही. और देखिए सिर्फ इतना हुआ कि सिंस द बेस एंगल, ओके लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ एसी हियर इज ए, डीसी इज ए बाय 2, एडी इज रूट 3 ए बाय 2. इफ आई वांट टू कैलकुलेट साइन 30 डिग्री नॉट 60 डिग्री, तो हमें पता है 30 डिग्री जो है वो टॉप पर यहां पर एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट जो साइड है दैट विल नाउ बी कंसिडर्ड एज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि बेस एंगल की अपोजिट जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे. तो इफ दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है दैट इज अनडाउटेडली आर हाइपोटेन्यूस, यानी कि एसी जो है दैट इज हाइपोटेन्यूस. और तीसरी जो आपकी साइड बच जाती है व्यूअर्स दैट इज ए डी, वो क्या होगा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया. सो दिस इज योर बेस. तो पुट कर देते हैं वैल्यूज, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ए बाय 2 यूनिट्स डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज ए यूनिट्स. सो अनडाउटेडली द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2. सिमिलरली हम cos 30 एंड tan 30 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यस नाउ द नेक्स्ट इज 0 डिग्री. हमने 5 एंगल्स के बारे में आज डिस्कस करना था, ओनली 2 एंगल्स आर रिमेनिंग नाउ, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो 0 डिग्री के लिए सिंपली क्या हुआ, आपको इस बेस एंगल को 0 डिग्री बनाना है. तो ये मैंने वेरियस प्रोसेस में वेरियस फिगर्स ड्रॉ करते हुए जहां पर हम इस एंगल को मिनिमाइज 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 करते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसा करने पर आपकी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो बहुत बहुत कम होती जा रही है. जैसे ही हम एंगल को 0 डिग्री करते हैं तो बी एंड सी जो है वो को इंसिडेंट हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर की अभी कुछ भी वैल्यू है ही नहीं, परपेंडिकुलर इज बिकमिंग 0 और बेस जो है वो हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ के इक्वल हो गया अप्रोक्सीमेटली, वी कैन अंडरस्टैंड दैट. तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है हमें पता है वो तो होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज 0 देयरफॉर 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0. इसी तरह से अगर आप cos 0 डिग्री निकालते हैं दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपको पता है कि बेस इज equals to approximately equals to h, therefore this value will be considered as 1. Similarly for 90 degree, बस 90 degree में हमारे पास जो base है वो धीरे धीरे diminish होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, base will be becoming 0 और as a result we are here with this table. This is very important table for our viewers. इस table में हमने 3 t ratios के value for all the 6 स्टैंडर्ड एंगल्स, फॉर ऑल द 5 स्टैंडर्ड एंगल्स कैलकुलेट करके लिखी है, जो आप सभी ने अभी समझा. अभी बात करते हैं कोसेकेंट थीटा. सविता जी ऐसा होता है ना कि ज्ञान जितना मिल जाए उतना कम है और ये सेशन जितना आगे बढ़ जाए उतना कम है, लेकिन क्या करें, वक्त की अपनी सीमाएं हैं हमारे सेशन के लिए और वो सीमाएं जो हैं वो अब हम वहां तक पहुंच गए हैं, तो आपसे माफी चाहेंगे, आपके सेशन को हमें यहाँ पर रोकना होगा. लेकिन हम अपने जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन से के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं, आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फोन और ईमेल कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था टेलीविजन स्क्रीन पर. हमें आपको यहाँ पर एड करना चाहूंगी जी, जो टेबल हमारे व्यूअर्स को दिखाई दे रहा है, इस टेबल में हमने 3 टी रेशियोज की वैल्यूज लिखी है एंड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप बाकी तीनों टी रेशियोज की वैल्यूज हमारे व्यूअर्स
कंप्लीट करें और हमसे जरूर शेयर करें। बिल्कुल शेयर करेंगे, और शेयर करने के लिए सविता जी हमने ईमेल आईडी भी शेयर की है, हमारा फोन नंबर भी शेयर किया है, और हम सभी से ये कहने चाहेंगे कि अगर कोई भी हमें आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं वो ईमेल आईडी जिसके माध्यम से आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपने ध्यान से इस सेशन को पढ़ा समझा या नहीं ये भी आप बता सकते हैं, अगर ध्यान कहीं इधर से उधर हुआ तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आता है दोबारा पूछ सकते हैं। सविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने इस सेशन के लिए दिया, थैंक यू सो मच, और हम चाहेंगे कि और अपने किसी और सेशन में आपको एक बार फिर से बुलाएं और हमारे बच्चों को आप दोबारा से एक बार बहुत सारी चीजें बहुत सारा ज्ञान दें, थैंक यू सो मच। तो बच्चों इसी के साथ पीएमई विद्या चैनल में आज के सेशन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे हर सेशन के साथ क्योंकि हर सेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। पीएमई विद्या चैनल के साथ बने रहिए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।